सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और रिव्यू करने जा रहे हैं इस जी स्मार्ट क्यूब को। तो गाइस, ये कुछ इस पैकेजिंग में आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट डिवाइस और रियल टाइम पीवीपी ग्लोबल रैंकिंग टीचिंग विद एआई डाटा एनालिटिक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं और इसको हम आज अपने ऐप के साथ भी कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो इसकी कुछ पैकेजिंग ऐसी आती है, ठीक है, एक आता है यहाँ पर और ये पूरा बॉक्स जो है वो प्लास्टिक का है। तो इसे हम ओपन कुछ इस तरह करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास क्यूब है और क्यूब का सरफेस मैट और ग्लॉसी के बीच का है, ठीक है। तो इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं हमें होल्डिंग करने में। तो इंटरनल्स देख लेते हैं। इंटरनल्स हमारे प्राइमरी में देखने को मिलते हैं। इसमें इंटरनल्स प्राइमरी हैं, कलर्स ब्राइट हैं, नॉर्मल है। तो अब करते हैं इसकी फर्स्ट टर्निंग्स। ये देखिए, अब इसमें जब लाइट जल जाती है ऐसी रेड लाइट, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो क्यूब है वो ऑन हो चुका है। और ये जो टर्निंग इसकी है वो काफ़ी एफर्टलेस है। देख सकते हैं आप, मैं मतलब अपना जैसे नॉर्मल क्यूब्स को टर्न करता हूँ, जो मेरे मेन है जैसे कॉर्नर वगैरह, उनके लिए मैं कुछ ऐसे ही टर्न कर पाता हूँ ऑलमोस्ट। तो काफ़ी अच्छा क्यूब है स्मार्ट क्यूब के पास, क्योंकि स्मार्ट क्यूब काफ़ी अच्छी टर्निंग नहीं दे पाते हैं नॉर्मल क्यूब के द्वारा। तो काफ़ी अच्छा क्यूब है इसके मामले में। हाँ, तो ये इसका टर्न्स तो मेरे को काफ़ी पसंद आए हैं। अब इसकी कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं हम एक बार। कॉर्नर कटिंग यहाँ से देखते हैं, हाफ इजीली कर रहा है नॉर्मल में, और ये 40 डिग्रीज नॉर्मल कर रहा है, 45 डिग्रीज कर ले रहा है, 45 कर रहा है एक स्मार्ट, तो काफ़ी बड़ी बात है। 45 से ज़्यादा भी कर लेता है, ऑलमोस्ट कर लेता है, देखिए 45 से ज़्यादा है कर लेता है, ठीक है। और अब रिवर्स कॉर्नर कटिंग की बात कर लेते हैं, तो इतनी आराम से कर ले रहा है, हाफ पीस आराम से, इतना भी आराम से कर ले रहा है और इतना भी 40 डिग्रीज में ऑलमोस्ट कर ले रहा है। मतलब 35 डिग्रीज के बीच की इसकी रिवर्स कॉर्नर कटिंग हमें मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसकी बैक कॉर्नर कटिंग की बात करें तो वो भी नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है। तो टर्न्स के काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके हम एडजस्टमेंट सेटिंग्स देख लेते हैं कुछ, कि क्यूब के अंदर क्या हमें एडजस्टमेंट सेटिंग्स मिलती हैं। तो हम यहाँ पर मैंने एक सेंटर कैप पॉप आउट कर ली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट सेटिंग्स की काफ़ी टॉर्नेडो से मिलती जुलती है। हाँ, टॉर्नेडो से काफ़ी मिलती जुलती इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग्स हैं। आई थिंक इसमें 6 या 5 एडजस्टमेंट सेटिंग्स हैं। तो एक सेकंड, यहाँ पर जो ये हमें बॉक्स में लाता है इसके साथ है, तो इसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें अंदर मिल जाती हैं, जैसे कि हम इसको निकालेंगे तो काफ़ी सारी हमें और चीज़ें मिली हैं। इस क्यूब के साथ एक ये स्प्रिंग का सेट मिलता है, यहाँ पर कुछ ऐसी स्प्रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी हमें इसमें स्प्रिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये हमें मैनुअल मिलती है सॉल्विंग के लिए, जिसके हमको जो है, और ये कार्ड और ये इंस्ट्रक्शन गाइड इसके अंदर की क्यूब सेटिंग्स क्या क्या हैं, है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी सेटिंग्स लिखी हुई हैं। हाँ, तो इसमें देख सकते हैं आप 6 सेटिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया था। और इसमें क्यूब में बैटरी इंस्टॉल्ड हैं और इसकी जो बैटरी हमने कंपनी ने बताई है वो है 8000 आवर्स की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी है। बैटरी वाली क्यूब में काफ़ी अच्छी है। और ये इसका ऐप है स्मार्ट प्लेयर नाम का, और इसके अंदर हमें कुछ ऐसा बॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको रख दें साइड में। तो इसके एडजस्टमेंट सेटिंग्स के साथ अभी मैं क्यूब की बेकार नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो इसकी सेटिंग्स है वो काफ़ी बढ़िया है, आइडियल है। और इसका सेंटर कैप काफ़ी एक अजीब सा डिज़ाइन है, शायद ये सेंटर पॉप आउट ना हो इसलिए बनाया गया है। तो इसे हम दोबारा से लगा देते हैं, और यहाँ पे ये ऑफ हो गया था तो ये दोबारा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप लाइट जल रही है। तो हम इसको अपने टैबलेट के साथ, ऐप
के साथ कनेक्ट करके देखते हैं क्यूब कैसा वर्क करता है। यहाँ पर मैंने इस ऐप को ऑन कर लिया है, तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले स्मार्ट क्यूब वाले ऑप्शन पर जाकर कनेक्ट क्यूब पर जाकर इसको पहले तो ऑन कर लेना है। जैसे कि ये मेरा ऑन हो गया है, और यहाँ पर आपका जो भी मॉडल है क्यूब का वो लिखा आ जाएगा। यहाँ पर पेयरिंग कनेक्ट करके ये जो आपका क्यूब है यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जैसे कि टर्न कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर टर्न्स दिखेंगे आपके क्यूब के, जैसे दिख रहे होंगे आपको, बस ऐसे ही दिखेंगे आपको टर्न्स। ठीक है, तो पहले मैं प्रैक्टिस वाले मोड की बात कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिस वाले मोड में तो हमें यहाँ पर स्टार्ट कर देना है इस वाले मोड पर है, तो ये यहाँ पर लोडिंग थोड़ी बफरिंग होगी। मैं यहाँ पर एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे जैसे इसमें स्क्रैम्बल लिखा है बस वैसे ही करते जाना है। ठीक है, जैसे मेरा स्क्रैम्बल हो चुका है क्यूब, अब ये इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, तो मेरे को अपनी इंस्पेक्शन स्टार्ट करनी है। इंस्पेक्शन करने के बाद सॉल्वर स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पर सॉल्व पूरा होने के बाद देख सकते हैं आप, यहाँ पर 14 सेकंड्स का मेरा सॉल्व आया, टीपीएस मेरा 6 का आया, फ्लुएंसी इतनी, और मूव मेरे को 87 लग रहा है। यहाँ पर आपको पूरा एनालिटिक्स आ जाएगा कि आपको कौन से टाइम में कितना, मतलब कौन से पार्ट में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही सीफॉप में खुला हुआ है, उसमें आपको लेयर बाय लेयर का मिल जाता है और रूक्स का भी मिल जाता है। ठीक है, और ये क्रॉस में मेरे को 2 सेकंड लगे, जैसे F12 में 7, OLL PLL में 2। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप अपने सॉल्व को देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और मैं एक और सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने स्क्रैम्बल कर लिया, तो यहाँ पर मेरा ये वाला सॉल्व 12 सेकंड्स का आया, टीपीएस 5 का, और फ्लुएंसी और मूव्स कुछ इतने। इस बार मेरे को 1 सेकंड लगा क्रॉस में, 6 लगे इसमें, और 1-1, 2-2 इसमें लगे। तो यही है, मैं यहाँ पर यस पे कंटिन्यू कर देता हूँ, और क्या आपको और भी ऑप्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास रूम कॉम्पिटिशन है, तो कुछ लोग रूम बनाते हैं और उसमें रेस करते हैं, तो लेकिन इसमें ज़्यादा रूम बहुत बार अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर 1v1 है, जिससे आप एक प्लेयर के साथ अपना मैच ला सकते हो। तो यहाँ मैं स्टार्ट मैच पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर लोड कर रहे थे। यहाँ पर जैसे इसने कोई एक सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर यूज़र, और अब इसके साथ मेरा मैच लगेगा। तो यहाँ पर ये स्क्रैम्बल हमें फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्क्रैम्बल हो गया है। तो यहाँ पर 12 सेकंड का मेरा सॉल्व कंप्लीट हो चुका है, और ये सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे बंदा। मेरा सॉल्व यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मैं सिर्फ ट्रेन कर सकता हूँ। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इसको 31 सेकंड्स लग गए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला मैच जो है वो जीत चुका हूँ। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा एनालिटिक्स, और इस क्यूब का एक शॉर्टकट है, आपको ऐसे मतलब इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना है प्लेयर गेम पे, आपको बस एक बार यू मूव करना है और यू क्लाइम करना है, तो ये अपना दूसरा मैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अब हमें वही प्रोसेस करना है, वहाँ पर एक स्क्रैम्बल। दोबारा से 12 सेकंड में सॉल्व अपना कंप्लीट कर दिया, या अभी भी सॉल्व कर रहा है, तो मेरा मैं ये वाला मैच भी इजीली जीत चुका हूँ।
यही है कि आप कंपटीशन करके अपने ट्रॉफी बढ़ा सकते हैं। ट्रॉफी में बताता हूँ आपके कॉल में क्या यूज़ है, एक सेकंड पहले इसको सॉल्व करने दीजिए। तो यहाँ पर इसने भी दोबारा एक बार 31 सेकंड्स में सॉल्व किया है क्यूब। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर बैक से हट जाएगा और यहाँ पर हमारी जो ट्रॉफीज हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी। जैसे अभी मेरे पास 16 ट्रॉफी हैं और विन रेट मेरा 100 पर चल रहा है। तो ये है हमारा ट्रॉफी लिस्ट है। तो जिसके पास जितनी ट्रॉफी ज़्यादा होंगी वो उस पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितनी पोजिशन है उस पर स्टैंड करेगा। तो अभी तो हम काफ़ी पीछे होंगे, अभी तो हम बहुत पीछे होंगे इसमें। हाँ तो अभी तो क्योंकि हम देखेंगे हम बहुत पीछे हैं अभी। तो यहाँ पर बैक करूँगा मैं और ऑप्शन दिखाता हूँ आपके। तो ये है अकेडमी का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको AI ट्यूटोरियल लेयर बाय लेयर C4 ये सब देखने को मिलता है। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो ये एक वेबसाइट ओपन होती है बस इनकी। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पर गेम्स हैं। तो ये स्टे ट्यून, मतलब आगे भी कुछ और आ सकते हैं फीचर्स इसका मतलब, और पैटर्न्स हमारे गेम से। तो इससे हम नए नए पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना कर देख लेता हूँ, ये वाला पैटर्न मैं बनाता हूँ। तो जैसे जैसे ये दिखा रहा है कि किसको फ्रेंड में रखना है, ये एल्गोरिथम आपको परफॉर्म करनी है। हाँ तो ये जैसे यहाँ पर एक भी बनिए जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो हमारे ऐसा पैटर्न कुछ बन गया है। यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ और भी आप पैटर्न इमेजिंग पैटर्न बना सकते हो। और यहाँ पर ये इस टीवी का स्मार्ट टाइमर भी कनेक्ट हो जाता है और इसमें नॉर्मल टाइमर भी है हमारा। तो इसमें तो इतने ही ऑप्शन थे हमें। और जैसे हम प्रैक्टिस वाला मोड भी होता है हमारा, तो उसमें भी अगर हम लीडर बोर्ड चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे ये लीडर बोर्ड हमारा आ गया है, तो इसमें ज़्यादातर तो आपको चाइनीज ही मिलेंगे। हमारा लीडर बोर्ड है कुछ ऐसे, लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेट में जाएंगे आप, तो ये इनकी डिटेल्स भी आपको दिख जाएंगी। जैसे इसका बेस्ट है 4 सेकंड्स का, तो आपको आपकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप किसी सॉल्व की जैसे इसका ही बेस्ट होगा, मैं इसको इसकी डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्लिक हो गया है। यहाँ पर अभी ये बफरिंग चल रही है इसमें, तो ये डाटा हमारा लोड कर रहा है इसका। तो इसमें पूरा इसके जो सॉल्व का है वो भी एनालिटिक्स हमें निकाल कर दे देगा, और रिव्यू ये कुछ वीडियो रिप्ले में हमें दिखाएगा। जैसे कि हम इसे प्ले करते हैं तो हमें रिप्ले दिखा रहा है कि कैसे इसने 4 सेकंड में से सॉल्व करा, पूरा दिखाएगा ये। जैसे क्रॉस ने इतने में सॉल्व करा, फिर F12 का फर्स्ट के सेकंड थर्ड एंड फोर्थ OLL PLL सब दिखाया गया है आपको। तो ये हमारा कुछ इसका यूज है। और TPS भी आपको दिखा देगा कि कौन से सेक्शन में हमारा क्या TPS रहा है, और एलोकेशन में भी आपको दिखा देगा। तो ये क्यों काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया क्यूब है जी की तरफ से, आप बेस्ट बजट स्मार्ट क्यूब है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में तब तक मिल पाएगा। Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.